कद्दावर नेताओं में शुमार बीजेपी के भरोसेमंद ओम बिरला एक बार फिर चर्चा में है। वजह है लोकसभा का स्पीकर पद। जी हाँ, दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला न सिर्फ राजनीतिक है बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में तालमेल बैठाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओम बिरला ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में लोकसभा स्पीकर पद संभाला और कई ऐतिहासिक फैसलों के गवाह भी बने। लगातार तीसरी बार सांसद बने ओम बिरला कमाई के मामले में भी पीछे नहीं है। साल 2019 से साल 2024 के बीच उनकी संपत्ति में काफी इजाफा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि ओम बिरला कितने धनवान हैं। ओम बिरला की कुल संपत्ति की बात की जाए तो इसमें बीते 5 साल में दोगुना का इजाफा हुआ है। उन्होंने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो हलफनामा दाखिल किया था उसके तहत उनकी कुल संपत्ति 10,61,00,000 थी जो बीते 5 साल के मुकाबले में दोगुनी हो चुकी है। साल 2019 के हलफनामे पर नजर दौड़ाएं तो ये आंकड़ा 4,79,00,000 रुपए था। ओम बिरला पर कोई लोन नहीं है। बिरला की पत्नी पेशे से डॉक्टर थी। उनकी इनकम अच्छी खासी है। मौजूदा समय में पति पत्नी की आय 36,00,000 रुपए सालाना है जो 5 साल पहले 33,00,000 के आसपास थी। ओम बिरला की आय में बढ़ोतरी देखने को मिली है। उनकी व्यक्तिगत इनकम 7,97,000 से बढ़कर 13,79,000 तक पहुंच गई है। सोना चांदी और जेवर की बात करें तो साल 2019 में बिरला के पास 11,00,000 रुपए की कीमती धातु और जेवर थे जबकि 5 साल बाद यानी साल 2024 में ये 39,00,000 रुपए के हो गए। बिरला के पास पहले 50 ग्राम सोना तो 8 किलो चांदी थी। ओम बिरला के पास कोई घर नहीं है जबकि उनकी पत्नी के पास 3 घर है। इनकी इनकम की बात करें तो करीब 5 करोड़ रुपए है। अपनी बड़ी हुई संपत्ति के बावजूद बिरला के पास घर नहीं है। उनके पास 2,00,000 रुपए की एक कार है जो साल 2019 में 3,86,000 रुपए की थी। उनकी पत्नी डॉक्टर अमिता बिरला के पास 3,00,000 रुपए की एक कार है। साल 2019 में उनके पास 6,83,000 रुपए और 5,68,000 रुपए की दो कारें थी। साल 2019 में उनकी कुल कीमत 16,00,000 रुपए थी जो अब घटकर 5,00,000 रुपए हो गई है। उनकी वार्षिक आय में मामूली वृद्धि ही हुई है। सरकारी चिकित्सक के पद से सेवानिवृत्त उनकी पत्नी डॉक्टर अमिता बिरला की आय में कमी आई है। वर्तमान में उनकी संयुक्त आय 36,00,000 है जो साल 2019 में 33,33,000 से थोड़ी ज्यादा है। बिरला की व्यक्तिगत आय 7,97,000 से बढ़कर 13,79,000 हो गई, जबकि उनकी पत्नी की आय 25,36,000 से घटकर 22,19,000 हो गई है। साल 2019 में बिरला के 5 बैंक खातों में 19,75,000 थे जो अब बढ़कर 4 खातों में 1,85,00,000 हो गए। उनकी पत्नी की बैंक जमा राशि 3 खातों में है 35,50,000 से बढ़कर 94,94,000 हो गई। कुल मिलाकर अब उनके पास 2,80,00,000 रुपए बैंक जमा है जबकि साल 2019 में 55,00,000 रुपए उनके पास थे। उनके आभूषणों का मूल्य काफी बढ़ गया है। साल 2019 में उनके पास 11,00,000 मूल्य का सोना चांदी और हीरे थे जो बढ़कर 39,00,000 हो गए। ओम बिरला के पास 50 ग्राम सोना और 8 ग्राम चांदी है जिसकी कीमत पहले 4,90,000 थी, अब इनकी कीमत 9,00,000 है। अमिता बिरला के पास 1 किलो सोना और 94 कैरेट हीरे हैं जबकि कीमत अब 9,30,000 है। इसके अलावा उनकी चांदी की होल्डिंग 10 किलोग्राम से बढ़कर 30 किलोग्राम हो गई है जिसकी कीमत 21,33,000 है। उनकी कृषि भूमि में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ओम बिरला के पास अभी भी 34 एकड़ जमीन है जिसकी कीमत 40,00,000 जो साल 2019 में 32,00,000 थी। उनकी पत्नी की 28.95 एकड़ जमीन जिसकी कीमत पहले 28,00,000 थी अब 35,00,000 हो गई। जयपुर में एक संपत्ति जिसकी कीमत पहले 60,00,000 थी उसका जिक्र अब ताजा हलफनामे में नहीं है। हालांकि भूपति शक्ति नगर और कोटा में उनकी पत्नी के स्वामित्व वाली संपत्तियों की कीमत साल 2019 में 2,30,00,000 से बढ़कर 2024 में 4,49,00,000 हो गई है। राजस्थान के कद्दावर नेताओं में शुमार बीजेपी के भरोसेमंद ओम बिरला एक बार फिर चर्चा में है। वजह है लोकसभा का स्पीकर पद। जी हाँ,
दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला न सिर्फ राजनीतिक हैं, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में तालमेल बैठाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओम बिरला ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में लोकसभा स्पीकर पद संभाला और कई ऐतिहासिक फैसलों के गवाह भी बने। लगातार तीसरी बार सांसद बने ओम बिरला कमाई के मामले में भी पीछे नहीं है। साल 2019 से साल 2024 के बीच उनकी संपत्ति में काफी इजाफा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि ओम बिरला कितने धनवान हैं। ओम बिरला की कुल संपत्ति की बात की जाए तो इसमें बीते 5 साल में दोगुना का इजाफा हुआ है। उन्होंने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो हलफनामा दाखिल किया था उसके तहत उनकी कुल संपत्ति 10,61,00,000 थी, जो बीते 5 साल के मुकाबले में दोगुनी हो चुकी है। साल 2019 के हलफनामे पर नजर दौड़ाएं तो ये आंकड़ा 4,79,00,000 रुपए था। ओम बिरला पर कोई लोन नहीं है। बिरला की पत्नी पेशे से डॉक्टर थी। उनकी इनकम अच्छी खासी है। मौजूदा समय में पति पत्नी की आय 36,00,000 रुपए सालाना है, जो 5 साल पहले 33,00,000 के आसपास थी। ओम बिरला की आय में बढ़ोतरी देखने को मिली है। उनकी व्यक्तिगत इनकम 7,97,000 से बढ़कर 13,79,000 तक पहुंच गई है। सोना चांदी और जेवर की बात करें तो साल 2019 में बिरला के पास 11,00,000 रुपए की कीमती धातु और जेवर थे, जबकि 5 साल बाद यानी साल 2024 में ये 39,00,000 रुपए के हो गए। बिरला के पास पहले 50 ग्राम सोना तो 8 किलो चांदी थी। ओम बिरला के पास कोई घर नहीं है, जबकि उनकी पत्नी के पास 3 घर है। इनकी इनकम की बात करें तो करीब 5 करोड़ रुपए है। अपनी बड़ी हुई संपत्ति के बावजूद बिरला के पास घर नहीं है। उनके पास 2,00,000 रुपए की एक कार है, जो साल 2019 में 3,86,000 रुपए की थी। उनकी पत्नी डॉक्टर अमिता बिरला के पास 3,00,000 रुपए की एक कार है। साल 2019 में उनके पास 6,83,000 रुपए और 5,68,000 रुपए की दो कारें थी। साल 2019 में उनकी कुल कीमत 16,00,000 रुपए थी, जो अब घटकर 5,00,000 रुपए हो गई है। उनकी वार्षिक आय में मामूली वृद्धि ही हुई है। सरकारी चिकित्सक के पद से सेवानिवृत्त उनकी पत्नी डॉक्टर अमिता बिरला की आय में कमी आई है। वर्तमान में उनकी संयुक्त आय 36,00,000 है, जो साल 2019 में 33,33,000 से थोड़ी ज्यादा है। बिरला की व्यक्तिगत आय 7,97,000 से बढ़कर 13,79,000 हो गई, जबकि उनकी पत्नी की आय 25,36,000 से घटकर 22,19,000 हो गई है। साल 2019 में बिरला के 5 बैंक खातों में 19,75,000 थे, जो अब बढ़कर 4 खातों में 1,85,00,000 हो गए। उनकी पत्नी की बैंक जमा राशि 3 खातों में है, 35,50,000 से बढ़कर 94,94,000 हो गई। कुल मिलाकर अब उनके पास 2,80,00,000 रुपए बैंक जमा है, जबकि साल 2019 में 55,00,000 रुपए उनके पास थे। उनके आभूषणों का मूल्य काफी बढ़ गया है। साल 2019 में उनके पास 11,00,000 मूल्य का सोना चांदी और हीरे थे, जो अब बढ़कर 39,00,000 हो गए। ओम बिरला के पास 50 ग्राम सोना और 8 ग्राम चांदी है, जिसकी कीमत पहले 4,90,000 थी, अब इनकी कीमत 9,00,000 है। अमिता बिरला के पास 1 किलो सोना और 94 कैरेट हीरे हैं, जबकि कीमत अब 9,30,000 है। इसके अलावा उनकी चांदी की होल्डिंग 10 किलोग्राम से बढ़कर 30 किलोग्राम हो गई है, जिसकी कीमत 21,33,000 है। उनकी कृषि भूमि में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ओम बिरला के पास अभी भी 34 एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत 40,00,000 है, जो साल 2019 में 32,00,000 थी। उनकी पत्नी की 28.95 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत पहले 28,00,000 थी, अब 35,00,000 हो गई। जयपुर में एक संपत्ति जिसकी कीमत पहले 60,00,000 थी, उसका जिक्र अब ताजा हलफनामे में नहीं है। हालांकि भूपति, शक्ति नगर और कोटा में उनकी पत्नी के स्वामित्व वाली संपत्तियों की कीमत साल 2019 में 2,30,00,000 से बढ़कर 2024 में 4,49,00,000 हो गई है। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक अपडेट